हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आजमगढ़ जिले के प्रसिद्ध हस्तियों के पार्ट टू वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आजमगढ़ के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। नंबर एक, कर्नल निजामुद्दीन। कर्नल निजामुद्दीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। इसके अलावा निजामुद्दीन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे। उनका असली नाम सैफुद्दीन था। सैफुद्दीन उर्फ कर्नल निजामुद्दीन का जन्म 1 जनवरी 1900 को आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ढकवा गांव में हुआ था। नंबर दो, विभूति नारायण राय। विभूति नारायण राय 1975 बैच के यूपी कैडर के एक संवेदनशील आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ हिंदी लेखक के रूप में भी प्रसिद्ध रहे हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में उन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार तथा पुलिस मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ उन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान सहित अनेकों पुरस्कार से विभूषित किया गया है। इनका जन्म 28 नवंबर 1951 को आजमगढ़ जिले के जोखारा गांव में हुआ था। नंबर तीन, फ्रैंक इस्लाम। फ्रैंक इस्लाम एक सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमी, निवेशक, परोपकारी, नागरिक नेता और लेखक हैं, जो कि अमेरिका में एफआई इन्वेस्टमेंट ग्रुप के प्रमुख हैं। वे क्यूएसएस ग्रुप के संस्थापक और सीईओ थे। आपको बता दें कि फ्रैंक इस्लाम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी चुनाव में काम किया था। साथ ही उन्हें मेरीलैंड स्टेट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नंबर चार, वकार आजमी। वकार आजमी यूके सरकार के पूर्व मुख्य विविधता सलाहकार और इंटरकल्चरल डायलॉग के यूरोपीय संघ के राजदूत हैं। वकार आजमी ओबीई को जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में सूचीबद्ध किया गया है। 1970 को आजमगढ़ जिले में जन्मे वकार 13 साल की उम्र में यूके चले गए थे। नंबर पाँच, शमीम जयराजपुरी। शमीम जयराजपुरी एक भारतीय जूलॉजिस्ट और वैज्ञानिक हैं, जिन्हें नेमेटोलॉजी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उनका भारत में उच्च शिक्षा में सक्रिय करियर रहा है। वे ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा टैक्सोनॉमी के लिए जानकी अम्मल राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। वे आजमगढ़ के जयराजपुर के निवासी हैं। नंबर छः, द्विजेंद्र त्रिपाठी। द्विजेंद्र त्रिपाठी भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में बिजनेस हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जहां उन्होंने 25 से अधिक वर्षों तक काम किया। उन्हें भारत में फादर ऑफ बिजनेस हिस्ट्री माना जाता है। नंबर सात, मुश्ताक अहमद आजमी। मुश्ताक अहमद आजमी एक व्यापक साक्षरता विशेषज्ञ थे। वे 1950 के दशक की शुरुआत से भारत में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम से जुड़ने वाले पहले गैर अधिकारियों में से एक थे। अपने 60 साल के करियर के दौरान उन्होंने कई किताबें और दस्तावेज लिखे। उनका जन्म आजमगढ़ जिले के राजापुर सराय मीर में हुआ था। नंबर आठ, काजी अतहर मुबारकपुरी। काजी अतहर मुबारकपुरी एक भारतीय सुन्नी इस्लामिक विद्वान, लेखक और इतिहासकार थे। उन्हें पाकिस्तानी विद्वानों द्वारा मुहसिन ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वे आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के निवासी थे। नंबर नौ, इसरार अहमद। इसरार अहमद 1961 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भारतीय सैद्धांतिक परमाणु भौतिक विज्ञानी और प्रोफेसर थे। उन्हें क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी में अपने काम के लिए जाना जाता था। उनका जन्म आजमगढ़ जिले के महुआरा में हुआ था। नंबर 10, विश्राम राय। विश्राम राय पूर्वांचल के गांधी, समाजवादी चिंतक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 10 जनवरी 1910 को बाबू विश्राम राय का जन्म जिले के बीबीपुर कदीम गाँव में हुआ था। बाबू विश्राम राय 1953, 1957 व 1974 में सदर व सगड़ी विधानसभा से यूपी विधानसभा के लिए जन प्रतिनिधि चुने गए थे और पुनः 1978 में यूपी विधान परिषद के लिए चुने गए थे। नंबर 11, लक्ष्मी नारायण मिश्रा। लक्ष्मी नारायण हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे। हिंदी के एकांकीकारों में उनका विशेष स्थान है। उन्होंने प्रचुर मात्रा में गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य सृजन किया। उनका जन्म 17 दिसंबर 1903 को आजमगढ़ जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। नंबर 12,
सुखदेव राजभर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि 11वीं, 12वीं, 14वीं, 15वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वे आजमगढ़ जिले के दीदारगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उत्तर प्रदेश की पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा वे मायावती, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 13, दुर्गा प्रसाद यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि सपा पार्टी के सदस्य हैं। दुर्गा प्रसाद यादव सपा की सरकार में पूर्व परिवहन मंत्री व वन मंत्री का कार्यभार संभाल चुके हैं। दुर्गा प्रसाद आजमगढ़ में राजनीति का माना जाना चेहरा रहे हैं और 8 बार से आजमगढ़ क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वे आजमगढ़ के आहो पट्टी के निवासी हैं। नंबर 14, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अबू आजमी मुंबई के शिवाजी नगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे 3 बार से सपा पार्टी से विधायक भी हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 15, बलराम यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री पद पर भी काम किया है। आपको बता दें कि उन्हें मुलायम सिंह यादव का करीबी भी माना जाता है। नंबर 16, फरहान आजमी एक भारतीय उद्यमी और राजनीतिज्ञ हैं जो कि अबू आजमी के बेटे हैं। वे मुंबई और गोवा में कई रेस्तरां के मालिक हैं। नंबर 17, चंद्रजीत यादव एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो कि आजमगढ़ से 4 बार सांसद चुने गए थे। उनका जन्म 1 जनवरी 1930 को आजमगढ़ जिले के सरुपहा गांव में हुआ था। आपको बता दें कि चंद्रजीत यादव इंदिरा गांधी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। नंबर 18, मनोज सिंह टाइगर एक भारतीय फिल्म एक्टर हैं जो मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों में सक्रिय हैं। वे फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और बाटला हाउस में भी काम किया है। आपको बता दें कि भोजपुरी सिनेमा में मनोज टाइगर बतासा चाचा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 19, ओबैदुल्ला आजमी एक राजनीतिज्ञ हैं। वे 1990 से 2008 तक राज्यसभा सांसद थे। राजनीति में उन्होंने यूपी, झारखंड और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 1992 से 1996 तक वे जनता दल पार्टी के महासचिव भी थे। उनका जन्म आजमगढ़ के खालिसपुर में हुआ था। नंबर 20, दारा सिंह चौहान एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि भाजपा के सदस्य हैं। वर्तमान में वे योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवारत हैं। दारा सिंह का जन्म आजमगढ़ जिले के गलवारा गांव में हुआ था। नंबर 21, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो कि यूपी की 16वीं और 17वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वे आजमगढ़ की मुबारकपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और बसपा पार्टी के सदस्य होने के साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के करीबी भी हैं। नंबर 22, बीरेंद्र भारती आजमगढ़ जिले से निकलने वाले भोजपुरी गायक हैं, साथ ही वे लोक गायक भी हैं। आपको बता दें कि बीरेंद्र भारती महुआ चैनल के सुर संग्राम के विजेता भी रह चुके हैं। नंबर 23, वासुदेव पांडे त्रिनिदाद के एक वकील, राजनेता, ट्रेड यूनियनवादी, अर्थशास्त्री और समाज सेवी हैं जिन्होंने 1995 से 2001 तक त्रिनिदाद एंड टोबैगो के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि इनके पूर्वज आजमगढ़ जिले के लक्ष्मणपुर गांव से थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इन सब के अलावा क्रांतिकारी राजा जयलाल सिंह, कुसुम राय, शेख समीम अहमद, कवि इकबाल सुहेल, मिर्जा असलम बेग, ब्लॉक प्रमुख भूपेंद्र सिंह मुन्ना, बलिराम, संगीता आजाद, अभय नारायण, अमजद अली, राजा राम आदि लोग भी आजमगढ़ जिले के फेमस पीपल हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।